सो हेलो एवरीवन, आज हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो ये द इंडियन एक्सप्रेस का है, जो कि सुबह सुबह आया है, 7:42, 5 अगस्त। तो अभी हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं एंड लास्ट में इसकी बर्स्ट मीनिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। CUET Phase 2, मैनी स्टूडेंट्स टू रिटेक एग्ज़ाम आफ्टर ग्लिच। यानी कि जो CUET का Phase 2 है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कई स्टूडेंट को रिटेक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा आफ्टर अ ग्लिच। यानी कि जो भी गड़बड़ वहाँ पे हुई है, जो भी दिक्कतें वहाँ पे आई हैं, उसके बाद अब उन बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीचे देखते हैं, द नाटा इन ए स्टेटमेंट सेड, यानी कि नाटा ने अपने स्टेटमेंट में कहा, स्टेटमेंट यानी कि कथन में कहा है कि ड्यू टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजन्स, यानी कि बहुत सारे टेक्निकल रीजन्स यानी कि तकनीकी जो दिक्कतें आई, लैपटॉप कंप्यूटर जो नहीं चल रहे थे, और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जो रीजन्स थे, उनकी वजह से द CUET UG 2022 एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर 4 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड टू अगस्त 12, 2022 फॉर अ फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि जो CUET का एग्जामिनेशन शेड्यूल किया गया था 4 अगस्त को, अब पहली शिफ्ट में अब वो पोस्टपोन्ड होकर 12 अगस्त को होगा, वो भी कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में। अब इसमें जो भी वर्ड्स हैं हम उनको जानते हैं। तो पहला वर्ड हमारा रीटेक। रीटेक का मतलब होता है दोबारा करना किसी चीज़ को, यानी कि कोई भी काम है उसको दोबारा करना क्या कहलाता है, रीटेक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लिच। ग्लिच होता है यानी कि टेम्परेरी, जो भी सडन, जो भी अचानक जो किसी काम चलते चलते ख़राब हो जाए, या फिर उसमें कह सकते हैं कि खराबी आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो उसमें क्या हो गया, ग्लिच हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, यानी कि किसी भी इंसान के द्वारा कुछ भी कहा होगा उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक। टेक्निकल, टेक्निकल यानी कि तकनीकी। एंड शेड्यूल्ड मतलब कोई भी चीज़ है उसको शेड्यूल किया गया है, यानी कि ये उस दिन होगा, यानी कि उसको उस दिन के लिए प्लान करा गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन्ड का मतलब किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन यानी कि किसी चीज़ को आगे बढ़ा देना। और सेंटर्स तो आप जानती हैं, केंद्र। ओके, थैंक यू सो मच एवरी।